Hello everyone and welcome back to my YouTube channel NJ Lifestyle and welcome back to another video. और guys आज के दिन में ये तीसरी वीडियो बनने वाली है जो कि एक फार्म हाउस वीडियो होने वाली है. Yes, मैंने एक बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे डिसीजन लिया था कि मैं फार्म हाउस जाऊंगा बिकॉज द थिंग वॉज के लेट मी एक्सप्लेन इट. आज संडे का दिन है और आज संडे ब्लॉग आ रहा है बट ये वाला ब्लॉग जो है वो संडे के बाद आएगा. तो आज जो है वो पिकनिक शाम में जानी थी और वो नाइट स्टे पिकनिक होने वाली है ये जिसपे मैं जा रहा हूँ रैंडमली. लाइक विद इन 20 to 30 minutes मैंने डिसीजन लिया कि ओके यस आई एम गोइंग ऑन दिस पिकनिक. कोई तैयारी नहीं हुई भी थी मेरे को, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या पहनना है, क्या लेके जाना है, क्या करना है. बस मैंने जल्दी जल्दी में जो कुछ भी मुझे समझ आया तो बस मैंने पहन लिया और मैंने बैग में भी कपड़े रख लिए और अब हम लोग बस जाने लगे. दीज पीपल आर लाइक वेटिंग फॉर मी और बस अभी जल्दी जल्दी से निकलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है. एंड वंस अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रैंडम पिकनिक आई एम गोइंग टू एवर और बाकी यस सी यू गाइस देयर. बाकी सबके साथ जाके मिलके फिर आप लोगों को बताएंगे फर्दर क्या सिचुएशन थी. तो दिस इज अ वेरी रैंडम पिकनिक एंड अ रैंडम ब्लॉग. एक दिन के अंदर ही थर्ड ब्लॉग बन रहा है क्योंकि इससे पहले एक मैंने जो है वो एक वीडियो बनाई वो भी आएगी. तो यस स्टे ट्यून ऑन माय चैनल और बस मिलते हैं बाकी सबके साथ जाके. गाइस लोकेशन पर हम लोग पहुंच गए हैं मेरी बस और ये शालिम ब्रो मेरे साथ हैं यहाँ पे. लेट्स सी के गलत बात यहाँ पे सीनियर बंदे बैठे हुए हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किए पिकनिक. तो लेट्स सी के ये पिकनिक वर्थ इट होती है या नहीं. तो लेट्स गेट इनटू द बस एंड सी के क्या सिचुएशन. बाकी शालिम ब्रो एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड, बिग फैन सारे यहाँ पे खड़े हुए हैं. बस सिचुएशन है तो अंदर जाके बैठते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं. ओके तो हम लोग बैठ गए बस में. आधी आवाम अभी आएगी, अभी तो हम लोग अभी कुछ आवाम है, थोड़े लोग हैं यहाँ पे. तो जिमरान भाई के पास एक बहुत थका हुआ जोक आया. नहीं कोई जोक नहीं यार, आज के लिए हमने सिर्फ उसको बोला कि अभी रेस्ट करो फिर फार्म हाउस जाके सबकी. नहीं नहीं अभी कुछ बोलने वाले थे आपकी वजह से मैंने कैमरा ऑन किया. बताओ तो कहना चाहता हूँ. आप पूरे नहीं आ रहे ना, असल में आपका ही बड़ा कद. बिल्कुल समझदार बंदा है, बहुत समझदार. नहीं नहीं महबूब भाई का कारोबार कोई नहीं छीन सकता, डायरेक्ट नानी वाले से. गाइस वहां जाके मिलते हैं आप लोगों से. Okay guys, so we've reached the location and the location is absolutely amazing. I was not expecting that itna acha hone wala hai. But this is actually like good. Sunset, sunrise mein maza aayega. So guys, ab hum aa gaye hain farm house aur ye hamara farm house hai. Sunrise mein maza aayega. Sunrise. Isme? Sunrise mein. Koi baat nahi, naturally hai. Naturally. तो आई थिंक फार्म हाउस का टूर जो है वो गाइस आई थिंक मैं सुबह में ही दूंगा क्योंकि अभी तो मैं खुद भी नहीं नजर आ रहा. तो मैं फार्म हाउस कहाँ से आप लोगों को दिखाऊं. और शालिम ब्रो के पास कुछ है बोलने के लिए. अभी मैं आपको ही कुछ बोलना चाहूंगा ना, कैमरा अंदर हो तो. गाइस एविस ब्रो भी यहाँ पे. एविस भाई कैसा लग रहा है आपको हमारा फार्म हाउस? एक मिनट तो यहाँ से हम एंटर होंगे. वहाँ पे भी एक रूम है, ये वाला भी एक रूम है. ये हमारा रूम हो गया. ओह शूट गाइस यहाँ पे फुल एसी सीन है एंड फुल जॉनसन अभी सोने की करेगा. अभी मैं बिल्कुल सोने की करूंगा क्योंकि ओ सॉरी फ्रंट कैमरा खोल लेना रूम दिखा. गाइस ये हम लोग आ गए हैं और फुल चिल माहौल है इस रूम के अंदर. एंड 16 पे एसी है, फुल फैन अवेलेबल, लाइक फुल लग्जरियस सीन हो गया यहाँ पे. मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था. बाकी बेड सीन भी है तो आई थिंक यहाँ पे विंडोज है. लेट मी शो यू गाइस. नाइस, आई थिंक फार्म हाउस इज प्रीटी कूल. एंड ये लॉक कर दिया कि तुम लोगों ने? लॉक कर दिया. तो गाइस कोई अंदर लाइट्स ऑन करो ना जानी, बस इतने से लाइट्स है. नहीं नहीं जगह नहीं है, जगह हमारा बुक है. तो डन हो गया सीन गाइस, हम लोग का ये वाला रूम डन हो चुका है. पूरा टूर जो है वो मैं सुबह में आप लोगों को दूंगा. तो और वैसे ही हम बहुत एक्साइटेड हैं कि अभी अपनी पूरी पिकनिक एंजॉय करने के लिए. यहाँ पे कौन है? कोई भी नहीं, ये भूत है, इसने बंद किया था. ये कैसे खुल गया? इधर भी कोई है? सीन डन हो चुका है, बंद करो. ब्रो
he is a very famous guy on YouTube. So kindly please subscribe your channel. बस हम प्रमोट कर दिया हमने तेरे को गाइस से पहले ही ला दिया बाकी यहाँ पे आके फुल ग्रीन सीन होंगे और ये लोग अभी चेंज वगैरह कर रहे हैं, पता नहीं इनका क्या प्लान है। ओके सही है, डन हो गया। तो बाकी देखते हैं कि क्या सीन है यहाँ पे, लेट्स सी कि क्या होता है। तो जो भी पे खाने का सीन जो है वो ऑन हो चुका है। एंड लेट मी शो यू गाइस कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। यहाँ पे सिचुएशन यहाँ पे ये है कि 12 बज चुके हैं, लेट मी शो यू गाइस द टाइम 12:04 हो रहा है, पता नहीं दिखेगा या नहीं। एंड फूड सिचुएशन ऑन है, सारे बैठ चुके हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे फुल शॉट आ रहा है और यहाँ पे खाने खाने के लिए बैठ चुके हैं। और अब लेट्स सी कि क्या होता है फर्दर, क्योंकि मेरी बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी है, मेरी नहीं मतलब मोबाइल की नहीं मेरी, क्योंकि 12 बज चुके हैं एंड सीन काफ़ी जो है ऑफ हो गया। और अभी तक पूल में नहीं गए हम लोग, एवेस भी नहीं गया अभी तक। तो लेट्स सी क्या होता है, सूखे में घूम रहे, बाकी सब नहा चुके हैं, सारा पानी ही किया हुआ यहाँ पे। तो लेट्स सी कि अभी क्या होता है। खाने का सीन लोगों ने ऑन कर दिया, तो गाइस यहाँ पे काफी पर्सनल अटैक हो रहे हैं और व्लॉग को मैं बंद करता हूँ, फिर खाना खाते हैं। लेट्स सी बाकी टूर जो है, अगर हम सुबह जाते वक्त टाइम हुआ तो आई विल शो यू गाइस कि यहाँ पे क्या सराउंडिंग है। वैसे काफी अच्छा सीन है, काफी अच्छा चल सिचुएशन है एंड काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है अंदर। एंड लेट्स सी के व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब वो वाला एरिया भी अच्छा है, वहाँ बैठने के लिए सिचुएशन है अच्छी, यहाँ पे भी आई थिंक
कुछ बना हुआ है, कुछ लोग वहाँ पे खेल रहे हैं, आई डोंट नो, कैरम बोर्ड टाइप की चीज़। एंड यहाँ पे इसका अंदर एक किचन पार्ट भी है, लेट मी शो यू गाइस दैट एज वेल। यहाँ पे इफ यू गाइस कैन सी देयर इज सम फायर गोइंग ऑन ओवर हियर एंड आई डोंट नो, एंड फ्रिज वगैरह भी है यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाट्स दैट कॉल्ड, डी फ्रीजर और समथिंग। यहाँ से बाहर से ये लुक है, आई मीन द होल सिचुएशन इज़ प्रीटी कूल, अच्छा बना हुआ है यहाँ पे। एंड हम लोग आए रात में तो इसलिए इतना ज़्यादा एक वो मतलब व्यू मज़े का नहीं मिल रहा, बट लाइट्स वगैरह ऑन है तो यस। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और बिरयानी सिचुएशन थी, सारे खाना खा रहे हैं, जिमरान ब्रो भी यहाँ पे, दिस इज़ द खाने के बाद साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना।